अभिनेता ऋषि कपूर की मौत के बाद पाकिस्तानी हीरोइन जेबा बख्तियार इन दिनों सुर्खियों में हैं। हालांकि पाकिस्तानी हीरोइन जेबा बख्तियार की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। जेबा बख्तियार दो बातों के लिए हमेशा सुर्खियों में बनी रहीं। पहली, 4 शादी करके वो लंबे समय तक सुर्खियों में बनी रहीं। दूसरी, भारत में उन्हें हिना फिल्म से नाम मिला, शोहरत मिली, देखते ही देखते सुपरहिट हीरोइन के रूप में स्थापित हो गई। मगर आखिर क्या कारण रहा कि भारत से उनका मोह भंग हो गया और सब कुछ छोड़कर वो पाकिस्तान चली गई। जेबा बख्तियार की ज़िंदगी की पन्नों को पलटते हुए तमाम कहानियों से पहले आखिर जेबा बख्तियार पाकिस्तान से भारत कैसे आईं और हिना फिल्म से कैसे जुड़ी, उसके बारे में बताते हैं। दरअसल 1991 से पहले जेबा बख्तियार पाकिस्तान में टीवी सीरियलों से जुड़ी रहीं। उनका अभिनय, उनकी मासूमियत, उनकी अदाकारी पाकिस्तान में काफ़ी चर्चाओं में रही। पाकिस्तान में उनके लाखों प्रशंसक थे। जब भी वो टीवी पे आती थी, प्रशंसक टीवी से जुड़ जाया करते थे। धीरे धीरे उनके अभिनय की चर्चा भारत तक पहुंची और हिना फिल्म से उनका जुड़ाव हुआ। राज कपूर साहब ने भारत बुला लिया और उसके बाद वो हिना फिल्म से जुड़ गई। 1991 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। ऋषि कपूर के साथ उनकी एक्टिंग काफ़ी सराही गई। हिना फिल्म का वो गाना मैं हूँ खुश रंग हिना, जिसमें बेहतरीन एक्टिंग जेबा बख्तियार ने की, इसमें उनकी मासूमियत, उनकी कलाकारी, उनकी अदाकारी को भारतीय सिनेमा में तो पसंद किया जाता रहा, पाकिस्तान में भी काफ़ी पसंद किया गया। जेबा बख्तियार की ज़िंदगी के कुछ पन्ने इस प्रकार से हैं। पहली शादी उन्होंने सलमान बालियानी से की, मगर पहली शादी में ही उनके रिश्ते मधुर नहीं रहे, लंबे समय तक ये रिश्ते चल नहीं पाए और दोनों ने अलग होने का निर्णय ले लिया। सलमान बालियानी और जेबा बख्तियार से एक बेटी है। दूसरी शादी जेबा बख्तियार ने सिंगर अदनान स्वामी से की। अदनान स्वामी से भी रिश्ते लंबे समय तक नहीं चल पाए। 2 साल बाद दोनों ने अलग होने का निर्णय ले लिया और दोनों में तलाक हो गए। अदनान स्वामी और जेबा बख्तियार से भी एक बेटा हुआ जिसका नाम है अजान स्वामी। अजान स्वामी को लेकर भी दोनों में काफ़ी संघर्ष रहा। दोनों बेटे को अपने साथ रहने के लिए काफ़ी संघर्ष करते रहे। अंत में जेबा बख्तियार के साथ अजान स्वामी वर्तमान समय में रह रहे हैं। जेबा बख्तियार ने तीसरी शादी एक्टर जावेद जाफरी के साथ की, मगर जावेद जाफरी से भी इनके रिश्ते मधुर नहीं रहे, लंबे समय तक चल नहीं पाए। और फिर जिस प्रकार से दोनों शादियों का अंत हुआ, उसी प्रकार से तीसरी शादी का भी अंत हुआ और जावेद जाफरी और जेबा बख्तियार ने भी तलाक का निर्णय ले लिया। दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। उसके बाद जेबा बख्तियार का भारत से मोह भंग हो गया। सब कुछ छोड़कर वो भारत से पाकिस्तान अपने देश लौट गई। जेबा बख्तियार ने वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत की और टीवी सीरियलों से वो जुड़ गई। जेबा बख्तियार ने वहाँ 4थी शादी की सोहेल से और फिर ज़िंदगी के लम्हे, ज़िंदगी के पल आगे बिताने लगी। मगर ऋषि कपूर के मौत के बाद वो फिर सुर्खियों में आईं जब उनका भावुक भरा एक ट्वीट और वीडियो सामने आया। जेबा बख्तियार ने ट्वीट करके कहा कि ऋषि कपूर से मैं बेइंतहा प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, उनके बिना तो जीना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ऋषि कपूर हमारे परिवार के सदस्य थे, हमारे सच्चे दोस्त थे, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। जेबा बख्तियार का ये ट्वीट भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी काफ़ी चर्चाओं में